नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुभाष और आप देख रहे हैं क्या और कैसे। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं आपको 8 यूट्यूब के इंटरेस्टिंग सीक्रेट ट्रिक्स बताऊंगा फ्रेंड, जिनमें से कुछ काफी यूजफुल है और कुछ काफी इंटरेस्टिंग है। मतलब अगर आप फन के मूड में हैं तो उन ट्रिक्स का आप यूज कर सकते हैं, किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो आप उन ट्रिक्स का यूज करके दिखा सकते हैं कि देख भाई ये चीज करके दिखा। और ये जो ट्रिक्स हैं ये बेसिकली जो है पीसी पे ही होते हैं, मोबाइल पे ये काम नहीं करते हैं फ्रेंड्स। और ये जो ट्रिक्स मैं बताने वाला हूँ ये सिर्फ यूट्यूबर के लिए नहीं है, मतलब यूट्यूब क्रिएटर के लिए नहीं है, ये यूट्यूब के हर व्यूअर के लिए भी है। मतलब जो भी यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देखते हैं सभी इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक्स हैं ये फ्रेंड। बेसिकली हमें कुछ भी इस पर करना नहीं है, हमें यूट्यूब पर जाके कुछ कीवर्ड्स YouTube के सर्च बॉक्स में डालना है और सर्च करेंगे तो कुछ अलग अलग सा इंटरेस्टिंग वहाँ पे इफेक्ट्स देखने को मिलेगा फ्रेंड। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपने YouTube को ओपन कर लेते हैं, देखिए। और पहला जो ट्रिक है फ्रेंड वो है, सर्च बॉक्स में जाएंगे YouTube में और टाइप करेंगे डू द हार्लेम शेक। अब इंटर मारेंगे फ्रेंड्स तो देखिए क्या होता है। चलिए इंटर मार दिए। देखिए फ्रेंड्स, पहला ट्रिक था डू द हार्लेम शेक। ये ट्रिक का यूज हम लोग करेंगे तो बस सर्च पे लिखेंगे, इंटर करेंगे और यूट्यूब जो है वो हमारे लिए एक म्यूजिक प्ले कर देता है और फ्रेंड्स पूरा यूट्यूब शेक होने लगता है, डांस होने लगता है। काफी इंटरेस्टिंग ट्रिक है, अगर आप फन के मूड में है दोस्तों के साथ तो आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं फ्रेंड। दूसरा है, आप अगर ये कलर वगैरह से बोर हो गए हैं फ्रेंड, एक ही कलर में देखते आ रहे हैं टेक्स्ट को यूट्यूब को, तो इसे भी आप चेंज कर सकते हैं फ्रेंड। बस सर्च बॉक्स में जाके आपको टाइप करना है डॉजे मेमे। ओके फ्रेंड, इंटर कर दीजिए। देखिए पूरा का पूरा जो है यूट्यूब का टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया, स्टाइल फॉन्ट स्टाइल सब कुछ चेंज हो गया, कलरफुल देखने को मिल रहा है फ्रेंड। अब तीसरा ट्रिक मैं बताता हूं जिसमें YouTube फ्लाई होने लगेगा, आप जिधर भी कर्सर मूव करेंगे उधर होने लगेगा। आप किसी फ्रेंड के पीसी में जाइए, YouTube ओपन करके दिखा दीजिए उसे, कहिए यार तेरा पीसी में यार काम नहीं कर रहा है, कर्सर क्या कर रहा है, देख लीजिए फ्रेंड। तीसरे ट्रिक के लिए आपको बस सर्च बॉक्स में टाइप करना है यूज द फोर्स लुक, इंटर मारना है फ्रेंड। ये देखिए YouTube पूरा हिलने लगा, जिधर आप कर्सर मूव करेंगे हिलने लगेगा, ये जितने भी रिजल्ट्स वगैरह डिस्प्ले हो रहे हैं एकदम से फ्लाई होने लगे हैं। आप देख रहे हैं फ्रेंड, जिधर भी कर्सर मैं मूव कर रहा हूं उधर हिल रहा है पूरा, डॉल रहा है, एकदम फ्लाई हो रहा है लग रहा है। चौथा ट्रिक है फ्रेंड, अगर आप बोर हो गए हैं ये इंटरफेस ये यूट्यूब का लेआउट देख के और आप जो है दूसरा लेआउट दूसरा इंटरफेस देखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल अपने टीवी में जैसा आपका यूट्यूब चलता है वैसा आप यहां पे भी देख सकते हैं फ्रेंड्स। इसके लिए सिंपली आपको URL जहां पे आप लिखते हैं फ्रेंड वहां पे जाना है और YouTube.com लिख के एक स्लैश देना है, देन लीन बैक लिख देना है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे बिल्कुल टीवी के जैसा इंटरफेस मिल रहा है, जिस तरह टीवी में यूट्यूब चलता है, जिस भी टीवी में यूट्यूब सपोर्ट करता है वहाँ पे हम लोग यूट्यूब को ओपन करते हैं तो इसी तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है फ्रेंड्स। तो आप सिंपली सर्च कीजिए, एकदम सेम उसी तरह से आ रहा है।
या फिर यहाँ पे जाने के लिए सिंपली आप लिख सकते हैं youtube.com/tv leanback या tv दे दें आप youtube.com के बाद स्लैश के बाद, तो इस तरह का आपको इंटरफेस मिल जाता है फ्रेंड। अब मैं पांचवा आपको सीक्रेट बताता हूं जो बहुत ही यूजफुल है, बहुत सारे लोगों को पता होगा फ्रेंड। आप जब मोबाइल पे गाना सुनते हैं या वीडियो वगैरह, तो वहां पे एक मोड होता है, एक ऑप्शन होता है रिपीट। मान लीजिए आपको एक ही गाना बहुत बार सुनना, आप कोई काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी उस चीज को आप यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स, और एक ही गाने को बार बार आप सुन सकते हैं। मतलब आप कोई भी काम करें वही गाना बार बार शुरुआत से एंड तक होगा, फिर स्टार्ट से वो प्ले हो जाएगा। वरना नॉर्मली क्या होता है कि आपका ये गाना खत्म हुआ दूसरा चालू हो जाता है, तो आप यहाँ पे रिपीट मोड का यूज कर सकते हैं फ्रेंड किसी भी वीडियो में। सिंपली आपको क्या करना है, उस वीडियो में जाना है, मान लीजिए कोई भी वीडियो एक ले लेते हैं फ्रेंड और हम इस पे चल गए। मेरा थोड़ा इंटरनेट स्पीड अभी उतना अच्छा नहीं है फ्रेंड। नमस्कार दोस्तों, क्या और कैसे, मैं आप सभी का स्वागत है, मैं सुभाष, आज आप लोगों को तो यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड, मान लीजिए ये वीडियो यहाँ से इन तक हो और फिर से स्टार्ट हो जाए, तो सिंपली आपको जहाँ वीडियो है वहां पे आपको माउस का राइट की प्रेस करना है और लूप का एक ऑप्शन मिल जाएगा, लूप, यहाँ आप अगर क्लिक कर देते हैं तो ये वीडियो जो है बार बार चलता रहेगा, रिपीट होता रहेगा, मतलब खत्म होगा और फिर से स्टार्ट हो जाएगा, दूसरा वीडियो प्ले नहीं होगा जब तक कि आप इस वीडियो को एक बार रिमूव नहीं करते हैं या लूप का मोड जो है वो खत्म नहीं करते हैं तब तक फ्रेंड। चलिए मैं दिखाता हूं ये किस तरह से काम करता है। चलिए मान लीजिए हम यहां पे गए फ्रेंड, ये वीडियो खत्म पे है, तो आप वेट कर लें। अपडेट्स अपलोड करता रहता हूं जिससे आप रहते हो अपडेटेड फ्रेंड्स, तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। देखिए फिर से स्टार्ट हो गया, ये मेरा जो वीडियो है ये फिर से स्टार्ट हो गया फ्रेंड, आप देख पा रहे होंगे। तो सिंपली इसी चीज को करना है। और छठा जो ट्रिक मैं बताने वाला हूं ये भी काफी यूजफुल है फ्रेंड, आप बैक और फॉरवर्ड कर सकते हैं सिंपली अपने कीबोर्ड अपने की का यूज करके। एक बार अगर की को दबाएंगे तो वो 10 सेकंड बैक चल जाता है और दूसरे की को दबाते हैं तो 10 सेकंड फॉरवर्ड हो जाता है। जे की को अगर प्रेस करेंगे तो बैक चल जाएगा फ्रेंड, मान लीजिए वीडियो हमारा यहाँ पे है एक्चुअली फ्रेंड, तो जे को दबाते हैं डिडक्ट हो जाएंगे, देखिए 10 सेकंड बैक हो गया, जहां भी आपको जाना है 10 सेकंड ये बैक होता जाएगा। ओके फ्रेंड, और L की का यूज करके आप 10 सेकंड फॉरवर्ड कर सकते हैं अपने वीडियो को। चेंज किया, देखिए, तो सिंपली इन ट्रिक्स का आप यूज कर सकते हैं, ये काफी यूजफुल ट्रिक है। बहुत बार होता है कि हमें इंट्रो वगैरह चल रहे हैं वीडियो के, उन्हें नहीं देखना, उसमें जस्ट इंट्रोडक्शन होता है, मेन वीडियो जो है वो 10 सेकंड या 20 सेकंड बाद है, तो आप दो बार L की दबा दें और आप आगे बढ़ जाएंगे फ्रेंड। या आपको लगता है कि कुछ छूट गया, इंपॉर्टेंट चीज आप सुन नहीं पाए, तो बस जे का आपकी यूज करके आप बैक जा सकते हैं फ्रेंड। और सातवां जो ट्रिक मैं बताने जा रहा हूं फ्रेंड वो भी है, सर्च में आपको जाके वेब ड्राइवर टॉर्सो लिखना है, फिर देखिए क्या होता है। देखिए फ्रेंड जितने भी रिजल्ट्स डिस्प्ले कर रहे हैं सभी का कलर रेड हो गया है और बीच में ब्लू हो गया, मतलब काफी अलग टाइप का आ रहा है, देखने को मिल रहा है रेड और ब्लू का कॉम्बिनेशन है। जितने भी YouTube ने मेरे कीवर्ड्स पे रिजल्ट दिए हैं वीडियो का वो सारे रेड हो जाते हैं फ्रेंड्स। और लास्ट जो मैं बताने वाला हूँ ट्रिक, आठवां ट्रिक, ये काफी यूजफुल है, भले ही ये YouTube का तो सीक्रेट नहीं है, YouTube का फीचर नहीं है, लेकिन ये काफी यूजफुल है। ये एक गूगल क्रोम का एक्सटेंशन है जिसको यूज करके हम लोग जिस तरह से मोबाइल में वीडियो वगैरह अब चलता है तो एक छोटा प्लॉट नहीं कर देते हैं,
ये वीडियो का स्क्रीन छोटा हो जाता है, वो फ्लोटिंग होता रहता है और हम लोग मल्टीटास्किंग करते हैं, मतलब दूसरा काम कर सकते हैं फ्रेंड। तो ऐसे में यहाँ पे भी उस चीज़ को हम लोग कर सकते हैं, वो काफ़ी यूजफुल रहेगा। हम वीडियो को छोटा कर देंगे फ्रेंड और कहीं भी एडजस्ट कर देंगे और हम दूसरा काम करते रहेंगे, इधर हमारा वीडियो भी चलता रहेगा फ्रेंड। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, सिंपली आपको जो है जाना है क्रोम में, और क्रोम में आपको यहां पे मिल जाता है मोर टूल्स। मोर टूल्स में आपको एक्सटेंशन पे जाना है फ्रेंड, आप ओपन करेंगे देन आपको नीचे जाना है गेट मोर एक्सटेंशन में, और यहां सर्च बार में आपको लिखना है फ्लोटिंग फॉर यूट्यूब। आपके सामने कुछ रिजल्ट्स ये शो करेगा मैंने, तो आपको देखिए एक फ्लोटिंग फॉर यूट्यूब का एक्सटेंशन है, इसे आपको मतलब डाउनलोड कर लेना है फ्रेंड्स, इसे इनेबल कर देना है। और दूसरा है फ्लोटिंग फॉर यूट्यूब का, ये क्रोम का एक एप्लीकेशन है, ऐप है, इसे भी डाउनलोड कर देना है, इनेबल कर देना है फ्रेंड्स। ये दोनों मैंने इनेबल करके रखा है, ये दोनों ही डाउनलोड कर दिया है फ्रेंड्स। तो आपको क्या करना है, सिंपली यूट्यूब क्रोम में जाना है, मोर टूल्स पे प्रेस करना है, देन एक्सटेंशन को चूज करना है, फ्लोटिंग फॉर यूट्यूब टाइप करना है, आपको सर्च में मिलेगा एक ये फ्लोटिंग फॉर यूट्यूब एक्सटेंशन, इसे आपको यहाँ सिंपली जो है वो डाउनलोड करके इंस्टॉल करके इनेबल कर देना है। दूसरा फ्लोटिंग फॉर यूट्यूब इसी का एप्लीकेशन है। ओके फ्रेंड्स, आप जब इस तरह का कर देते हैं देन आपके यहाँ पे एक मार्क आ जाता है ओपन इन फ्लोटिंग फॉर यूट्यूब का, यहाँ पे देखने का एक उसका जो है एक्सटेंशन आ जाता है फ्रेंड। मान लीजिए मैं इस वीडियो पे क्लिक करता हूँ, देखिए ये मान लीजिए वीडियो है ओके फ्रेंड, तो यहाँ सिंपली पॉज कर देते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो इसका क्रोम का एक्सटेंशन दिख रहा है वो मार्क हो गया है, रेड हो गया है, मतलब जब हम यूट्यूब पे जाते हैं, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जो है ऐड हो जाता है, ये पिन टाइप का बन जाता है फ्रेंड। सिंपली इस पे हमें क्लिक करना है, हम क्लिक करेंगे तो देखिए छोटा हो गया यूट्यूब जो है वो, उसका प्लेयर जो है वो छोटा हो गया फ्रेंड, और हम इसे काट देते हैं। मेरा थोड़ा इंटरनेट स्लो होने की वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है फ्रेंड। चलिए हम यहाँ पे काट देते हैं, अगर मेंटेन नहीं रहा तो देखिए फ्रेंड हम काट दिए, यहाँ पे ये चल रहा है, यहाँ पे सिंपली हम प्ले कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, हम दूसरा कोई भी काम कर सकते हैं फ्रेंड, कोई भी काम दूसरा। हम मान लीजिए ऑफिस पे काम कर रहे हैं, वर्ड पे काम कर रहे हैं, हम दूसरे वेबसाइट को एक्सेस करना चाह रहे हैं, हम कर सकते हैं फ्रेंड किसी भी वेबसाइट को। मान लीजिए हम विकिपीडिया पे जा रहे हैं तो हम जा सकते हैं फ्रेंड, सिंपली इधर ये चलता रहेगा, पेनल्टी मतलब आपके बैलेंस डिडक्ट हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो अगर और आप चाहें तो इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पे आपको मिल जा रहा है फ्रेंड, यहाँ पे आप क्लिक करें और जिधर आपको करना है आप एडजस्ट कर दें, जहाँ पे आपको रखना है फ्रेंड, या फिर आप इसको साइज जो है रिसाइज भी कर सकते हैं, जितना बड़ा आपको रखना है फ्रेंड। मान लीजिए यहाँ पे आपने रख दिया और यहाँ पे आप काम कर रहे हो, तो इसे प्ले कर दो। आपका भी SBI हाँ, या इसके एसोसिएट में अकाउंट है, आपका चल रहा है फ्रेंड, क्या क्या उसने बदलाव किया है। तो ये सारे काफी इंटरेस्टिंग और यूजफुल ट्रिक्स थे। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो फ्रेंड्स तो लाइक का बटन प्रेस करना ना भूलें, और कमेंट दें फ्रेंड्स, शेयर करें मेरे वीडियो को। अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में एक घंटी दिखेगा आपको, वहां पे प्रेस कर दें फ्रेंड्स, ताकि आपको जो है मेरे नए नए अपलोड्स का नोटिफिकेशन मिलते रहे, आप नई नई चीज़ों को सीख पाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो फ्रेंड।